की बड़ी और अहम खबर का जो कि जबलपुर से आ रही है, नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामला, हाई कोर्ट में मामले की हुई सुनवाई, 169 कॉलेजों की फिर होगी जांच। इससे पहले सीबीआई ने की थी जांच, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में होगी वीडियोग्राफी। तो ये बड़ी खबर और अहम खबर जबलपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर नर्सिंग जांच मामले में घोटाले को लेकर यह बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर 169 नर्सिंग कॉलेज की फिर से जांच होगी और ये जांच जो है मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में होगी। इससे पहले 169 कॉलेजों की जांच सीबीआई कर चुकी थी, लेकिन सीबीआई के अधिकारी ही इस फर्जीवाड़े में शामिल थे, जिसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी। सीबीआई के अधिकारी बर्खास्त किए गए थे, सस्पेंड किए गए थे और अब उन्हीं 169 नर्सिंग कॉलेजों को लेकर फिर से दोबारा से जांच होगी और इसकी जांच बकायदा न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में होगी। सभी जांच की जो है वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। अब जो है 169 फर्जी जो नर्सिंग कॉलेज की जांच थी वो अब मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में होगी, वीडियोग्राफी भी बकायदा कराई जाएगी। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय साहू जुड़ गए फोन लाइन पर। संजय, बात किया है तो 169 कॉलेजों की फिर से जांच होगी, इन कॉलेजों की जांच सीबीआई पहले ही कर चुकी थी लेकिन अधिकारी लिप्त थे, इस वजह से दोबारा आदेश हुए, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से सीबीआई द्वारा नर्सिंग कॉलेजों की जांच की जा रही है और इसमें जो 13 आरोपी बनाए गए हैं उसके बाद अब रिश्वत कांड का जो मामला सामने आया उसके बाद जो 13 आरोपी बनाए गए उसके बाद अब हाईकोर्ट ने इस मामले को सीधी तौर पर यह कहा है कि 169 कॉलेज जिन कॉलेजों की जांच हुई है उनकी जांच पुनः होगी। साथ में उन्होंने हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं कि इसमें मजिस्ट्रेट इन्वॉल्व होंगे, मजिस्ट्रेट शामिल रहेंगे, इसके साथ जांच की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। ये बड़ी बात है क्योंकि अभी तक 169 कॉलेज जिनकी जांच हो चुकी थी, जिनको कुछ कॉलेजों को क्लीन चिट भी मिल चुकी थी, कुछ कॉलेजों को सस्पेक्टेड में रखा गया था, ऐसे तमाम जो चीजें हैं उनको पुनः जांच करके अब पुनः रिपोर्ट सौंपेंगे, हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपनी होगी और सीबीआई ही इस पर जांच करेगी। हालांकि इसमें एक चीज और सामने आई है कि अभी नर्सिंग काउंसिल ने को 2023-24 के लिए जो सत्र है उसकी मान्यता के लिए स्वतंत्र कर दिया है और ये कहा है कि आप इसकी मान्यता कर सकते हैं। तो अब देखना ये होगा कि जो 169 कॉलेज हैं इनमें कितने लोगों, कितने कॉलेजों को मान्यता पुनः मिल पाती है। जी तो संजय, क्या माना जाए, जो 169 कॉलेजों की दोबारा जांच होगी उनमें से कुछ कॉलेजों पर जो है अब लाल तलवार लटकती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल निश्चित, जिस प्रकार से जांच हुई है ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि सीबीआई ने जांच की है और सीबीआई के कुछ अधिकारी जो हैं वो उसमें संलिप्त पाए गए हैं, रिश्वत कांड में संलिप्त पाए गए हैं, उसके साथ कॉलेज के संचालक हैं वो उनकी भी संलिप्तता सामने आई है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ उठापटक होने की संभावना निश्चित दिखाई दे रही है और साथ में उन कॉलेजों की पुनः जांच होगी तो उसमें ये भी देखा जाएगा कि क्या ये मान्यता देने लायक है या नहीं है, क्या यहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, साथ में जिन नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ाई हो रही है उन नर्सिंग कॉलेजों में प्रॉपर पढ़ाई हो पा रही है या नहीं है, ये तमाम चीजें हैं जो पुनः एक बार फिर से उसी जांच के दायरे से गुजरना होगा। जो कॉलेज अभी 169 कॉलेजों में फिर से बदलाव की स्थिति नजर आएगी और जिनको क्लीन चिट मिल गई थी, जो परिपक्व पाए गए थे, अब उन कॉलेजों पर भी जो है अब आंच यहाँ पर लगती हुई पड़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।